नमस्कार दोस्तों, संत रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ। उनके जन्म की अद्भुत और सच्ची कहानी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो सच्चे संत थे और इस धरती पर इसीलिए आए थे कि वो मानवता का संदेश दे सके, वो प्यार का संदेश दे सके, वो लोगों की सच्ची भक्ति के प्रति लोगों का मार्गदर्शन कर सके। हालांकि उस वक्त ये बहुत कठिन कार्य था। वो चाहते थे समाज में सारे लोग मिलकर रहें, जाति पाति का कोई भेदभाव ना हो, एक दूसरे को मानवता के साथ लोग देखें, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहें, अपने सुख दुख बांटें। इसी उद्देश्य को लेकर रविदास जी का जन्म इस धरती पर हुआ था। वो महान थे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, महानता के परम बिंदु थे। उनके जन्म की अद्भुत कहानी आइए आप देखिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे तपस्वी, अपनी आंखें खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मुझे एक संतान देकर पिता होने का गौरव प्रदान करें। हे तपस्वी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, परंतु उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। उपाय? कैसा उपाय प्रभु? मैं संतान प्राप्ति के लिए हर उपाय करने को तैयार हूँ। तो सुनो, तुम्हें और तुम्हारी धर्मपत्नी को 9 माह तक रविवार के व्रत करने होंगे। व्रत के आखिरी रविवार को तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा। बालक का जन्म रविवार को होने के कारण तुम उसका नाम रविदास रखना। हे तपस्वी, जो बालक तुम्हारे घर जन्म लेगा, वो आगे चलकर बहुत महान संत होगा। उसकी कीर्ति सारे संसार में होगी। वो बालक अपने ज्ञान से लोगों का सच्ची भक्ति के प्रति मार्गदर्शन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अरे भगवान, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ इधर। आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, लगता है ईश्वर ने आपकी कोई मनोकामना पूर्ण कर दी। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो भगवान, प्रभु ने हमारी मनोकामना पूर्ण होने का उपाय हमें बता दिया। प्रभु ने? हाँ हाँ भगवान, प्रभु ने। अभी अभी आकाशवाणी हुई, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उपाय बतलाया है, जरा मैं भी तो सुनूं। भगवान, हमें 9 महीने तक रविवार के दिन व्रत रखने होंगे, बस यही सरल सा उपाय है हमारी मनोकामना पूरी हो। तो ठीक है, हम 9 माह तक हर रविवार को व्रत रखेंगे। बहन, पता नहीं क्यों मेरा लाल दूध नहीं पी रहा। तो ठीक से दूध नहीं पिला रही होगी। नहीं बहन, मैंने बहुत कोशिश की। तुम ऐसा करो, इसके पिताजी को बुला लो। ठीक है। मैं क्या बात है भगवान, मुझे इस तरह क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? स्वामी, मन नहीं कर रहा है। आप ऐसा कीजिए, जल्दी से जाके किसी वैद्यराज को बुला के लाइए। अच्छा अच्छा, तुम धैर्य से काम लो, अपने आप को और बच्चे को संभालो, मैं अभी वैद्यराज को लेकर आता हूँ। वैद्यराज जी प्रणाम। प्रणाम भाई। अरे रघु, तुम इतने घबराए हुए क्यों? सब कुशल तो है? कुछ भी कुशल से नहीं है वैद्यराज जी, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? जरा बैठकर अपनी समस्या बताओ। बैठने का समय नहीं है वैद्यराज जी, जल्दी से उठिए और चलिए मेरे साथ। ठीक है भाई, चलो। रघु, मेरे हिसाब से बच्चा एकदम स्वस्थ है। वैद्यराज जी, जब आपके हिसाब से बच्चा एकदम ठीक है, तो फिर दूध क्यों नहीं पी रहा है? जरा इसका चेहरा देखिए, दूध ना पी पाने की वजह से इसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। वैद्यराज जी, मैं इसकी माँ हूँ, इसके पल पल की खबर मुझे है। आप एक बार दोबारा इसका परीक्षण करके देखिए ना। पुत्री, मैं बिल्कुल ठीक से देखने के बाद ही अपनी राय दे रहा हूँ, तुम्हारा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ, ये हो सकता है इसके दुग्ध पान न करने का कारण कुछ और हो। कुछ और? कुछ और क्या कारण हो सकता है वैद्यराज जी? बेटा, हो सकता है इसमें कुछ प्रभु की लीला हो। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलूं। अच्छा, नमस्ते। हो
हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है? हमसे कोई पाप हुआ हो तो उसकी सजा हमें दे। हम दुखियार की परीक्षा लेके इस नन्ही सी जान को सजा मत दे। हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें सजा देना। मेरे लाल पे तरस खाओ, इस नन्ही सी जान पर तरस खाओ। आलोक निरंजन। प्रणाम महाराज। कल्याण हो बेटा। बेटा, भिक्षा मिलेगी? भोजन करना है। क्षमा करें महाराज, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। क्यों बच्चा, क्या बात है? महाराज, हमारे पुत्र का स्वास्थ्य खराब होने के कारण घर में चूल्हा नहीं जला है। कोई बात नहीं बेटा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तेरे पुत्र को हुआ क्या है? महाराज, मैं क्या बताऊँ, कुछ मालूम ही नहीं हो पा रहा है। जब से हमारे पुत्र ने जन्म लिया है, अपनी माँ का दुग्धपान नहीं कर रहा है, जिससे उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। वैद्यराज जी का कहना है कि दुग्धपान न करने का कारण प्रभु की कोई लीला है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। धैर्य रखो, धैर्य रखो। यदि ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा, क्या तुम मुझे एक बार अपने बालक को दिखा सकोगे? क्यों नहीं महाराज, आइए आइए महाराज आइए। ये रहा हमारा पुत्र। यदि तुम लोगों को बुरा ना लगे तो मैं इस बालक का परीक्षण एकांत में करना चाहता हूँ। कृपा करके तुम लोग बाहर जाने का कष्ट करोगे? परंतु महाराज। पुत्री, यदि तुम्हें हम पर विश्वास है तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। ईश्वर ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। आओ भगवान, आओ, ज्यादा संकोच मत करो, आओ। कहो मेरे प्रिय शिष्य, कैसा लग रहा है तुम्हें ये तुम्हारा नया जीवन? और हाँ, एक बात बताओ, क्यों दुग्धपान त्याग कर अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहते हो? गुरुदेव, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो गुरुदेव आप ही मेरी दुविधा को दूर करें। जब तक मुझे इस जाति में जन्म लेने का उद्देश्य तथा उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपका आशीर्वाद नहीं मिल जाता, तब तक मैं दुग्धपान नहीं करूँगा। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा श्राप तो एक बहाना था। इस जाति के उद्धार के लिए ही तुम्हारा जन्म इस जाति में हुआ है। तुम्हें अपने ज्ञान के द्वारा लोगों का प्रभु के प्रति सही भक्ति का मार्गदर्शन करना होगा। तुम उस माँ से अन्याय मत करो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। माँ माँ होती है बेटा, उसे और मत सताओ। दुग्धपान कर उसे उसका माँ होने का गौरव प्रदान करो बेटा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, परंतु इस संसार में ऊंच नीच का बड़ा भेदभाव है। लोग छोटी जाति वालों से घृणा करते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य के पास बैठना तो दूर, उनकी बातें सुनना भी पसंद नहीं करता। सच बड़ा दुख होता है ये सब कुछ देखकर। बेटा, इस कारण ही तुम्हारा जन्म इस छोटी जाति में हुआ है। तुम्हें अपने ज्ञान और भक्ति से लोगों की सोच बदलनी है। तुम अपने ज्ञान का प्रकाश हर तरफ फैलाओ और लोगों का सही मार्गदर्शन करो। गुरुदेव, मैं आपके आशीर्वाद को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक मैं अपने जन्म लेने के उद्देश्य को पूरा करता रहूंगा। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। हालांकि इसमें कुछ लोग इस पर कटाक्ष करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं था। मेरी उनसे नम्र निवेदन है कि ऐसे महान संत के बारे में अपनी राय मत रखिए। वो महान थे, आप और हम इतने महान नहीं हो सकते हैं। बस उनके संदेश को ध्यान रखिए, उनके विचारों को याद रखिए, उनके उपदेशों को याद रखिए। उनका जो मकसद था समाज को देने का, उस रास्ते पर चलते रहिए। ऐसा था, वैसा था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये कोई मतलब नहीं है। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस संत के सच्चे उद्देश्य को आप अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन को बहुमूल्य बनाएं। आप में और मुझ में इतना ज्ञान नहीं है कि हम एक संत के बारे में टिप्पणी कर सकें। वो महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। अपने विचार अपने पास रखिए और उस संत की महानता को प्रणाम करते हुए उनके उद्देश्य, उनके संदेश, उनके उपदेश अपने जीवन में उतारिए। जय संत रविदास जी।